हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी पकौड़ों वाली कड़ी। और इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है दही आधा किलो, बेसन मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो, जिसमें से आधा मैं आई बैटर जो बनाऊंगी मैं कड़ी का उसमें शामिल करूंगी, वो आधा हम पकौड़ों के लिए रखेंगे। यहाँ मैंने चॉपर मशीन में मैंने डाला है आधा किलो दही और एक पाव के करीब मैं इसमें डाल दूंगी बेसन और एक गिलास पानी शामिल करके मैं इसको इसका बैटर तैयार कर लूंगी। बहुत ही मज़ेदार सी ये कड़ी बनती है पकोड़ों वाली। यहाँ मैंने एक गिलास पानी शामिल कर दिया है इसमें और मैं इसका बैटर तैयार कर लूँगी। चाहें तो आप हाथ से भी इसको इसका बैटर तैयार कर सकते हैं बीटर से, चाहें तो आप ब्लेंडर मशीन में डाल लें, जिससे मर्जी आपका दिल चाहे आप बना के रख लें। तो यहाँ मैंने चॉपर मशीन का इस्तेमाल किया है और अब हम इसका बनाते हैं मसाला। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसे बारीक बारीक मैंने कट कर लिया था, और चार बड़े खाने के चम्मच मैंने लिया है ऑयल। और इसमें मैं करूँगी प्याज को हल्का सोते, यानी कच्चा और पक्का जैसा प्याज होता है वैसे हमने करना है, ज़्यादा हमने गोल्डन गोल्डन नहीं करना है इसको। और यहाँ प्याज जो है वो थोड़ा सा हल्का हल्का सा पक गया है, तो यहाँ मैं शामिल करूँगी एक टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, तो इसे शामिल करके दो मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी, जो लहसुन अदरक का चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही मैं इसके अब शामिल करूंगी एक टमाटर, बारीक बारीक मैंने इसे चॉप कर लिया था। दो मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी। और यहाँ मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा पानी और साथ ही इसके मैं डाल दूंगी सारे मसाले जो हमने कड़ी में डालने हैं। मसालों में मैं शामिल करूंगी इसमें एक टेबल स्पून नमक, एक टेबल स्पून ही मैं इसमें शामिल करूंगी लाल मिर्च किसी भी, और एक टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी हल्दी। इन मसालों को डाल के हम इसको अच्छे से इस मसाले को भून लेंगे, मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और मसाला अच्छे से यहाँ भून चुका है तो मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, इतना पानी कि जिसमें हमारी कड़ी अच्छे से पक जाए। मैं तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी शामिल करूँगी। और जो बैटर हमने बना कर रखा था दही और बेसन का वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। शामिल करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके ढक के मैं इसे पकने के लिए छोड़ूंगी बॉयल आने के बाद। और यहाँ कड़ी को बॉयल आ चुका है और ये देखें ठीक हो चुकी है ये, तो हम अब मैं इसे हल्की आंच पे ढक के तकरीबन 1 घंटा पकने के लिए छोड़ूंगी कि कड़ी हमारी अच्छे से रेडी हो जाए, बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और यहाँ मैं अब पकौड़ों के का बैटर तैयार करूंगी जब तक हमारी कड़ी रेडी होती है। यहाँ जो बाकी का बेसन बच गया था उसमें मैं अब शामिल करूंगी
आलू, प्याज, धनिया और हरी मिर्च, तीन मैंने मीडियम साइज के आलू लिए थे और तीन मैंने मीडियम प्याज लिए थे, एक बंच मैंने यहाँ पे लिया है धनिए का, तीन अदद मैंने हरी मिर्च ली थी, सोचो मैंने चॉप कर लिया है, आधा टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। मसालों में मैं डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, सफ़ेद ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च। और यहाँ मैंने बेसन में सारे जो चीज़ें थी मैंने शामिल कर दी हैं, कुटी हुई लाल मिर्च में शामिल कर रही हूँ एक टीस्पून, एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून मैं डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा, एक टीस्पून मैं डालूँगी लाल पिसी हुई मिर्च और मीठा सोडा। इसे डाल के मैं अच्छे से इसे मिक्स करके बैटर बना के रख लूँगी, आधे घंटे के लिए मैं इसे रेस्ट दूँगी और फिर हम इसके पकोड़े तैयार कर लेंगे। और यहाँ हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी है, जितनी थिक हमें चाहिए थी उतनी मैंने रख ली है। इसे पकते हुए आधा एक घंटा हो चुका है और ये इतनी थिक हो चुकी है, तो अब हम इसके पकोड़े तैयार करेंगे। इतना थिक रखा है मैंने पकोड़ों का बैटर और यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है फ्राई पैन में और मैं इसमें पकोड़े बनाना शुरू करूँगी। अब मैं चम्मच से डाल रही हूँ, आप हाथ से भी डाल सकते हैं जैसे आपको आसानी लगे। बहुत ही मज़ेदार सी पकोड़ा कढ़ी बनती है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे बॉयल राइस के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसे चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की खाने में लगती है ये। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ एक साइड से पकोड़े हो चुके हैं तो मैं इनकी साइड चेंज करूँगी, दूसरी साइड से भी हम इसे गोल्डन होने तक पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे और हमारे मज़ेदार से पकोड़े रेडी हो जाएंगे। हमारे क्रिस्पी से पकोड़े बिल्कुल रेडी होने वाले हैं, तो मैं इनको साथ साथ ही बना बना कर कढ़ी में डालती जाऊंगी। और यहाँ पकोड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं तो मैं इनको निकाल लूँगी और इसी तरह से मैं बाकी का भी बैटर से जो जितने पकोड़े बने के मैं बना के कढ़ी में शामिल कर दूँगी और फिर हम इसका तड़का, कढ़ी का तड़का बनाएंगे। और यहाँ मैं कढ़ी में शामिल कर रही हूँ पकौड़ों को, इसी तरह से मैं दूसरे भी बना के शामिल कर दूँगी। और यहाँ मैंने सारे बनाकर बीच में डाल दिए हैं कढ़ी के,
तो अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे, कड़ी का मज़ेदार सा तड़का तैयार करेंगे। तड़का लगाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लिया है मैंने लहसुन, लहसुन की कलियाँ ली हैं मैंने 6 अदद, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। गोल वाली साबुत लाल मिर्च ली है 5, हरी मिर्च ली है मैंने 6 अदद, बीच में से मैंने इनको कट लगा लिया है। सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, हल्दी मैं थोड़ी सी शामिल करूँगी इसमें तड़के में, और लाल मिर्च पिसी हुई थोड़ी सी और कुटी हुई मिर्च कलर के लिए, जिससे हमारा तड़का बहुत मज़े का तैयार होगा। और यहाँ ये वही ऑयल है जिसमें मैंने पकोड़े बनाए थे, और इसी में मैं ये सब चीज़ें शामिल कर दूँगी जो मैंने आपको बताई हैं तड़के के लिए। और हल्का गोल्डन होने तक मैं इसको बीच में फ्राई कर लूँगी। और ये लाइट गोल्डन हो चुका है लहसुन, तो मैं इसमें शामिल करूँ थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, लाल मिर्च थोड़ी सी और कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। इसे डाल के मैं 1 मिनट तक इसे पकाऊंगी कि तड़का हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। तड़का यहाँ बिल्कुल रेडी है, तो अब कड़ी पे हम इसे लगा देंगे। और हमारी मज़ेदार सी कड़ी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया, और हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी है। आप भी बनाइएगा और मुझे बताइए कैसी बनी है। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।